SDSSJ14302303। इस गैलेक्सी का ये जितना बड़ा नाम है, यकीन मानिए ये अगले 3 सालों में उतना ही बड़ा कांड करने जा रही है। बूटस नक्षत्र की ओर मौजूद पृथ्वी से करीबन 1.1 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद यह इलेप्टिकल गैलेक्सी, जो 150 अरब सूर्यों जितना द्रव्यमान रखती है, शोधकर्ताओं के मुताबिक बहुत अजीब व्यवहार करती दिखी है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो इस गैलेक्सी में निकट भविष्य में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड यानी प्रत्याशित घटनाओं में से एक को देखा जा सकेगा। दरअसल इस गैलेक्सी के केंद्र में शोधकर्ताओं ने रहस्यमय ढंग से प्रकाश में उतार चढ़ाव को होते हुए नोटिस किया। जब उन्होंने इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि इस गैलेक्सी के केंद्र में दरअसल 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पेयर्स में मौजूद हैं, जिनका कुल द्रव्यमान 20 करोड़ सूर्यों जितना तक है, और ये दोनों आपस में टकराव के लिए बढ़े चले आ रहे हैं। इस मामले में एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि अगर यह संकेत बाकी 2 विशाल ब्लैक होल्स का परिणाम है तो नतीजे बताते हैं कि ये आने वाले 3 सालों में मर्ज हो जाएंगे। 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को टकराते हुए देखना अभी तक का हमारा सबसे अच्छा शॉट हो सकता है, लेकिन हम अभी भी पक्के तौर पर नहीं जानते हैं कि इस गैलेक्सी के केंद्र में चल क्या रहा है। वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि इस अजीब गैलेक्सी को देखना जारी रखा जाए ताकि यह देखा जा सके, यह निर्णायक रूप से पहचाना जा सके कि इस गैलेक्सी के केंद्र में वाकई हो क्या रहा है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में किसी भी और अन्य दूसरे ऑब्जेक्ट्स के तुलनात्मक बेहद ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस टाइम को पागलपन की हद तक मोड़ पाने की क्षमता को रखते हैं। साल 2015 में पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने 2 कोलाइडिंग ब्लैक होल्स की डिटेक्शन की थी, जिसने एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक ऐसी कई डिटेक्शंस को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके पीछे वजह है प्राप्त होती ग्रेविटेशनल वेव्स, जो इन मैसिव इवेंट्स के चलते स्पेस टाइम में रिपल्स यानी लहरों को पैदा करती हैं। आज तक इनमें से लगभग जितने भी मर्जर्स डिटेक्ट हुए वे बाइनरी पेयर्स थे ब्लैक होल्स के, जिनका मैस इंडिविजुअल स्टार्स के मैसेस के तुलनात्मक ही रहा था। लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और विर्गो इंटरफेरोमेट्री ऑब्जर्वेटरी, ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद वो ग्रेविटेशनल वेव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन तरह के ब्लैक होल्स मर्जर्स की डिटेक्शन के लिए जिम्मेदार हैं और इसी मैस रेंज के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन टकराते 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो स्पेस टाइम में कई ज्यादा भारी भरकम रिपल्स को पैदा करते हैं, जो सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना तक अधिक होते हैं, ये हमारी वर्तमान ऑब्जर्वेटरीज द्वारा डिटेक्शन के लिए बहुत कम फ्रिक्वेंसी रेंज में आते हैं। फिर भी 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का यह मर्जर ऑब्जर्व करने के लिहाज से आकर्षक हो सकता है। लो फ्रिक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स को महसूस करने में सक्षम डिटेक्टर्स के बिना भी वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि जब यह टकराव होगा तो स्पेक्ट्रम में एक बड़ा विस्फोट देखा जा सकेगा। इस विस्फोट के दौरान जो डेटा हमें प्राप्त होगा वह हमें इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि ये घटनाएं कैसे काम करती हैं। वेल, आज तक भी ये खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। लेकिन कुछ सुराग हैं जो ये सुझाते हैं कि इनके पीछे एक वजह बाइनरी मर्जर्स हो सकते हैं। हम जानते हैं कि गैलेक्सीज के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, और हमने न केवल पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज को टकराते हुए देखा है, बल्कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को इन मर्ज्ड हो चुकी गैलेक्सीज के केंद्र में एक दूसरे की ओर घटती हुई ऑर्बिट्स में एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए भी देखा है। दरअसल इन गैलेक्सीज के गैलेक्टिक सेंटर से उत्सर्जित होते प्रकाश में ऑक्सीलेशंस यानी एक तरह की कंपन से इसका अनुमान लगाया जाता है कि नियमित समय पर ये एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हो सकते हैं। अब यह धारणा हमें SDSSJ14302303 गैलेक्सी पर वापस लाती है। इस साल की शुरुआत में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निंग जियांग के नेतृत्व में एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने इस गैलेक्सी में कुछ अजीब व्यवहार का वर्णन करते हुए प्रीप्रिंट सर्वर arXiv.org पर एक पेपर अपलोड किया था, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने 3 सालों के पीरियड में इस गैलेक्सी के गैलेक्टिक न्यूक्लियस में उत्सर्जित रोशनी में ऑक्सीलेशंस यानी कंपन को छोटा दर छोटा होते हुए ऑब्जर्व किया था, जो 1 साल के टाइम पीरियड से 1 महीने तक आ पहुंची थी, यानी इन ब्लैक होल्स की ऑर्बिट छोटी दर छोटी होती जा रही है। हालांकि यह पूरी तरह से अभी भी क्लियर नहीं है कि इस गैलेक्सी के केंद्र में जो हो रहा है वह इन बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के चलते ही हो रहा हो। किसी भी गैलेक्सी का गैलेक्टिक न्यूक्लियस एक बहुत ही अजीब जगह होती है, वहाँ बहुत कुछ चल रहा होता है, वहाँ इतनी चीजें मौजूद होती हैं जो इन संकेतों को बाहर फेंक रही हो सकती हैं, जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि यह भी संभव है कि इस गैलेक्सी के केंद्र में कुछ और हो जो उत्सर्जित हो रहे प्रकाश में बदलावों को ला रहा हो। मामले की तह तक जाने की कोशिश करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सरे वेवलेंथ्स की ओर रुख किया।
एक्सरे ऑब्जर्वेटरीज की एक श्रृंखला के डेटा का इस्तेमाल करते हुए और 200 दिनों के टाइम पीरियड को कवर करते हुए, जब चाइना के ग्वांजू यूनिवर्सिटी के लिमिंग डू के नेतृत्व में एक टीम ने हाई एनर्जी सिग्नेचर्स की पहचान करने का प्रयास किया, जिसे हम इन करीब आते और अपनी ऑर्बिट्स को घटाते सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में देखने की उम्मीद कर रहे थे। तब उन्होंने गैलेक्सी द्वारा इमिटेड एक्सरे रोशनी में वेरिएशंस को देखा, साथ ही ब्लैक होल में गिरने वाले लोहे से जुड़े एक प्रकार के इमिशन को देखा, जिसे टीम ने दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से 99.96% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ पाया था। दरअसल कई ऑब्जर्वेशनल और थ्योरेटिकल स्टडीज में गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की एक्रेशन डिस्क के इनर मोस्ट रीजन्स में एफई यानी आयरन स्पेक्ट्रा को पाया गया है। यह इमिशन बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़ा हो सकता है, हालांकि टीम स्मोकिंग गन यानी मर्जिंग ब्लैक होल जेट्स जैसे करेक्टरिस्टिक्स को मेजर नहीं कर सकी है जो ब्लैक होल बाइनरी की पुष्टि कर सकते थे। जुलाई 2022 में प्रकाशित रेडियो ऑब्जर्वेशन के एनालिसिस भी इनकंक्लूसिव यानी अनिर्णायक ही रहे, इसलिए शोधकर्ताओं का कहना है कि हम 100% सुनिश्चित होकर कह नहीं सकते हैं कि इस गैलेक्सी के साथ आखिर क्या हो रहा है। हम विश्वास के साथ जो कह सकते हैं वह यह है कि गैलेक्सी के केंद्र में कुछ बहुत ही अजीब सा हो जरूर रहा है। सबसे बढ़कर यह एक रहस्य है, हो सकता है यह टक्कर के कगार पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बाइनरी ही हो, और अगर ऐसा है तो आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर यह टकराव कभी भी हो सकता है। हाल ही के कुछ सालों में यह एक ऐसी गैलेक्सी निकल कर आई है जिसने शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और अब आने वाले कुछ समय तक एस्ट्रोनॉमर्स की नजरें इस रहस्यमय गैलेक्सी पर टिकी रहने वाली हैं। इस अपडेट से जुड़े सभी ऑफिशियल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बढ़ें अगली अपडेट की ओर। तो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस डिटेल्ड और क्रिस्प इमेज के साथ एक बार फिर सुर्खियों में है। 6 सितंबर 2022 को webtelescope.org पर रिलीज्ड यह डिटेल्ड इमेज दरअसल एक स्टेलर नर्सरी टेरेंट्यूला नेब्यूला की है, जिसका ऑफिशियल नाम 30 डोराडस है। इस इमेज में हम इस नेब्यूला के हम उन शार्प फीचर्स को देख सकते हैं जो आज से पहले तक अनदेखे रहे थे। ये स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहां डस्टी फिलामेंट्स को देखा जा सकता है, और एक लंबे समय से स्टार फॉर्मेशन में रुचि रखने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये एक पसंदीदा जगह रही है। वेब के हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ली गई इस डिटेल्ड इमेज में हजारों यंग स्टार्स, दूर बैकग्राउंड में नजर आती गैलेक्सीज और नेब्यूला की गैस और डस्ट स्ट्रक्चर्स को काफी डिटेल्ड में देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि वेब मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करता है, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन के दौरान दूर ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट्स का प्रकाश इसी वेवलेंथ में फैला हुआ है। टेलीस्कोप के प्राइमरी इमेजर नियर इंफ्रारेड कैमरे ने पाया कि नेबुला के केंद्र में मौजूद कैविटी में मैसिव यंग स्टार्स के क्लस्टर से निकलने वाली स्टेलर विंड्स और रेडिएशन ने इस जगह को खोखला कर दिया है, जो हल्के नीले डॉट्स के रूप में दिखाई दे रही है। वेब द्वारा इसी नेब्यूला के इसी रीजन को मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट द्वारा इमेज्ड किया गया, जो इंफ्रारेड की लॉन्गर वेवलेंथ्स का इस्तेमाल करता है धूल के कणों के आर पार देखने के लिए, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस वेवलेंथ पर देखे जाने पर इसने गर्म तारों को फेड यानी गायब सा कर दिया और नेब्यूला के ठंडे क्षेत्रों को दिखाया, जिसे इस स्टेलर नर्सरी के अंदर रोशनी के ऐसे बिंदु सामने निकल कर आए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसमें कुछ ऐसे प्रोटो स्टार्स भी नजर आए जो अभी भी अपने द्रव्यमान को बढ़ा रहे हैं। जिस नेब्यूला की हम यह इमेज देख रहे हैं, यह दरअसल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ना होकर लार्ज मैजेलनिक क्लाउड में मौजूद है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है। डोराडो नक्षत्र की ओर हमसे करीबन 161,000 से 170,000 प्रकाश वर्ष दूर। जुलाई 2022 से वेब जब से ऑपरेशनल हुआ है, हम ब्रह्मांड के उन छुपे हिस्सों को देख पा रहे हैं जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं हमने वेब से लगाई हुई भी थी। खैर, इस एपिसोड से जुड़ा अब आपके लिए एक सवाल। SDSS J1430+2303 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद संभावित बाइनरी ब्लैक होल्स का मिला जुला द्रव्यमान कितना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं आप में से कितनों ने इस एपिसोड को ध्यान से देखा है। बहरहाल, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।